देख रहा है, वो जो भी इन्होंने नहीं किया वो सब इनको भुगतने जा रहे हैं। ये सब जो इनकी करनी रही वो ही भरनी है इनकी। या तो मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा, और मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से भी कांग्रेसी इकट्ठे होने वाले में से है नहीं। या तो दूसरा कोई बनेगा या बीजेपी की सरकार बनेगी, दोनों में से एक ही तो बनी जाएगी। विधायक है, अगर उन्होंने निष्कासन से बचना है, एक्सपेल्शन से बचना है, तो उन्हें वापसी के लिए दोबारा वहीं जुड़ना पड़ेगा। हिमाचल की राजनीति में बीते कल से ही उथल पुथल देखने को मिली है। जिस तरह से राज्यसभा कैंडिडेट के लिए जो चुनाव होना था उसमें भाजपा के कैंडिडेट यहां पर जीत गए, और इसके साथ ही जो लगातार जो उथल पुथल का माहौल है वो देखने को मिला। सुबह विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, अब ऐसी भी जानकारी है कि मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ शिमला के कुछ स्थानीय लोग हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी क्या राय है, क्या भाजपा सरकार में आएगी या फिर कांग्रेस पार्टी जो है अपनी सरकार बचा पाती है, या किस तरह से ये रहने वाला है। हम लोगों से उनके रिएक्शन से यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। जी सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा परमानंद भारद्वाज। क्या लगता है आपको, जिस तरह से पिछले कल से ये उथल पुथल चल रही है, क्या सरकार बच जाएगी या फिर भाजपा सत्तासीन होगी? देखो, इस वक्त जो इन्होंने काम किया है वो तो भाजपा सरकार ही आएगी, कांग्रेस को इन्होंने औस कर देना है। ये दिखी दिखाई बात है। क्यों बोला, जब अपने ही MLO को सेटिस्फाई नहीं कर सके, सुख सरकार में सुख मंत्रियों और अफसरों को ही मिला, किसी लोगों को नहीं मिला। इसलिए लोगों को तो जो चुन के जिसको भेजता है उसको लोगों की देखभाल ज़्यादा करनी चाहिए, इन MLO और अफसरों की नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भाजपा की सरकार आएगी आगे। जी, आपका नाम सर? मेरा नाम आत्माराम है। क्या लगता है, पिछले कल से जो भी उथल पुथल चल रही है हिमाचल की राजनीति में, इससे पहले नहीं हुआ है, जिस तरीके से ये सरकार ने जो काम किए थे वो सही नहीं थे, पब्लिक के हित में कोई भी नहीं था, जो वादे किए थे कोई पूरा नहीं किया है, और उसके अनुसार अगर देखा जाए राज्य, मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार को अपने पिछले एक साल के कामों का ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है? देख रहा है, वो जो भी इन्होंने नहीं किया वो सब इनको भुगतने जा रहे हैं। ये सब जो इनकी करनी रही वो ही भरनी है इनकी। जी सर, आपका? मेरा नाम मोहन सिंह ठाकुर है। ये जो दो तीन दिन से जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल हो रही है, इसके लिए जो विशेष जो मेरे जहन में है वो दो ही विकल्प है। या तो मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा, और मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से भी कांग्रेसी इकट्ठे होने वाले में से है नहीं, इसलिए भाजपा की सरकार जो है दोबारा यहाँ पर बनेगी, अदरवाइज यहाँ पर मध्यवर्ती चुनाव हो। जी सर, आपका नाम? गुलाब ठाकुर। क्या लगता है आपको कि क्या सरकार टिकी रहेगी इस चीज़ अभी, या फिर किस तरह का आगे रह सकता है? अब जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने भी रिजाइन दे दिया है, तो लगता नहीं है, या तो दूसरा कोई बनेगा या बीजेपी की सरकार बनेगी, दोनों में से एक ही तो बनी जाएगी, पर चांसेज बीजेपी के लग रहे हैं इसी हालत में, नहीं तो दोबारा चुनाव करा लो। जी सर, आपका नाम? और आपसे तो यही हम जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको, जो ये उथल पुथल रही है इसके कारण क्या रहे होंगे? सुभाष वर्मा, जहाँ तक इस प्रदेश सरकार के गठन की, पुनर्गठन की बात है, पहले तो जो यहाँ के बागी विधायक है, अगर उन्होंने निष्कासन से बचना है, एक्सपेल्शन से बचना है, तो उन्हें वापसी के लिए दोबारा वहीं जुड़ना पड़ेगा, एक बात। और वो इस चेहरे को नहीं मानते, वर्तमान मुख्यमंत्री के चेहरे को, तभी बागी हुए ना। तो अगर वो वापस आते हैं तो चेहरा बदलना पड़ेगा, अगर उसमें सहमति नहीं बनती है तो अब तो नेरो मार्जन है। और इन 9 के साथ अभी संभावित और भी जुड़ने वाले, जुड़ चुके, जैसे विक्रमादित्य ने रिजाइन कर दिया है, और भी, और विक्रमादित्य के साथ इस वक्त 13-14 आदमी जुड़े हैं वर्तमान में, तो मेजोरिटी में आ जाते हैं। हो सकता है अगर इनकी आपस में सहमति ना बने, इनके ऑब्जर्वर पहुंच गए हैं, तो अगर नहीं बनती है सहमति तो ये स्वाभाविक है, महाराष्ट्र की तर्ज पे बीजेपी के साथ ही सरकार बनने के चांसेस हैं। जी, तो हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन्स थे, हमने बातचीत की, और जिस तरह से ये उथल पुथल हिमाचल की राजनीति में चल रही है उसको लेकर इनकी क्या राय है, मिली जुली राय है। सबने अपने अपने तर्क दिए हैं, कईयों का ये कहना है कि अब भाजपा की सरकार बनेगी, कई लोगों का ये भी कहना है कि अभी कुछ भी कहना जो है वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी जो है सारे गठजोड़ यहाँ पर किए जा रहे हैं और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि सरकार बनती है या किस तरह से। महाराष्ट्र की तर्ज पर भी एक जो है यहाँ से कमेंट आया है कि उसकी तर्ज पर भाजपा सरकार बना सकती है।
है, तो देखना ये कि आगे क्या रहता है। और अभी हमने सीनियर सिटीजन से बात की है, इसके बाद हम युवाओं से भी आपके लिए बातचीत करके लाएंगे और क्या युवाओं का इसमें कहना है, जो वोटर्स है उनकी राय भी आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। पंकज सिंह, लोकल 18 शिमला।